जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे भारत का ज्योग्राफिकली जन्म कैसे हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, और सवाल यह है कि हमारी पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप हैं। तो आप कहोगे भैया यह तो आसान सा सवाल है, हमारी पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों साल पहले ऐसा नहीं था। करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसको पेंजिया नाम दिया गया। यानी अभी जो आपको 7 कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं, उस समय एक ही भूमि का भाग हुआ करते थे, और इस पेंजिया के चारों तरफ एक ही ओशन यानी महासागर हुआ करता था, जिसे पेंथालासा नाम दिया गया। फिर धीरे धीरे समय बीता और प्लेट में गतिविधियों के कारण पेंजिया 2 टुकड़ों में बट गया। नॉर्थ पार्ट यानी उत्तरी पार्ट को अंगारालैंड कहते थे और दक्षिणी पार्ट को गोंडवानालैंड कहते थे, और दोनों के बीच मौजूद था एक सागर जिसे नाम दिया गया तेथिस सागर। अंगारालैंड में अभी के नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे कॉन्टिनेंट्स मौजूद थे, और बाकी के बचे कॉन्टिनेंट्स गोंडवानालैंड में मौजूद थे। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हो कि एशिया में तो भारत भी है, तो भारत जरूर अंगारालैंड का पार्ट रहा होगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। भारत अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था, जो कि गोंडवानालैंड में मौजूद था, इसलिए भारत गोंडवानालैंड का पार्ट हुआ करता था। फिर समय बीता और प्लेट में गतिविधियों के कारण अंगारालैंड और गोंडवानालैंड भी कई भागों में टूट गए, और आप आज जो ये 7 कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो वह भी इसी का नतीजा है। हमारा भारत अफ्रीका से कुछ यूं टूटा और आगे बढ़ते बढ़ते जाकर एशिया से टकरा गया और निर्माण हुआ हिमालय का। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेट के टकराव से हिमालय कैसे बना। तो दोस्तों, जब दो प्लेट्स का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे चली जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। उस समय भी ऐसा ही हुआ और आज के हिमालय का निर्माण हुआ। इनफैक्ट आज भी भारत की प्लेट आगे बढ़ी जा रही है, और इसलिए दिन पर दिन हिमालय की हाइट भी बढ़ती जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।